हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट किट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि मैंने एक प्रोफेशनल क्रिकेट किट भी ख़रीदा है। तो ये देख रहे हो, मेरा भाई अभी पहन के जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बरसात हो रही थी गाइस, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। आज की वीडियो में जो है, हम लोग इस किट को अनबॉक्स करके पूरी तरीके से ये किट मैं पहनकर एक काफ़ी अच्छी खासी क्रिकेटिंग भी करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, अभी फ़िलहाल करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये रही हमारी प्रोफेशनल क्रिकेट किट। इसको मैंने ख़रीदा है अमेज़ॉन से। इसके अंदर हम लोगों को 2 से 3 साइज़ देखने को मिलते हैं। तो मैंने जो है लार्ज साइज़ ख़रीदा है। इसका प्राइस है 3200 रुपीज़। अगर आप स्मॉल साइज़ ख़रीदते हो तो उसका प्राइस है 2500 रुपीज़। तो चलो दोस्तों, फटाफट से अनबॉक्सिंग करके मैं इसके अंदर जो जो चीज़ें मिली हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो ये जो क्रिकेट किट है, क्लैप स्पोर्ट्स की तरफ से आ जाती है। और इस तरह के बैग में हमें देखने को मिलती है। बैग की जो क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो निकाल लेते हैं इसके अंदर की सारी चीज़ें। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलता है एक थाई पैड। ये रहा थाई पैड। तो क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इसकी। ये है एक आर्म गार्ड, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं सारी चीज़ें। और दोस्तों, ये रहे इसके लेग पैड्स, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये रहे। तो दोस्तों, इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी खासी नज़र आ रही है। और यहाँ से देख रहे हो, अच्छे खासा बेंड भी हो जाता है। तो स्ट्रैप की भी क्वालिटी अच्छी है। पैड्स को रखते हैं साइड में। यहाँ पे भी लिखा है क्लैप स्पोर्ट्स बोलकर। और क्या है देख लेते हैं बॉक्स के अंदर। और यह है अबडोमिनल गार्ड। और यहाँ पे मिले हमें हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स की भी क्वालिटी अच्छी है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये राइट हैंड का ग्लव है। यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। लेफ्ट हैंड पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। इसके अंदर एक और बॉक्स है, शायद इसके अंदर इसका हेलमेट है। ये रहा दोस्तों इसका हेलमेट। और इसको पूरी तरीके से असेंबल करना होता है। तो ये जो पूरी क्रिकेट किट है, मैं आपको पहन के क्रिकेट भी खेल के बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर ज़रूर से लाइक भी कर देना। तो इसके अंदर हमें एक कश्मीर विलो बैट भी देखने को मिलता है। ये भी निकाल देता हूँ मैं यहाँ से। ये रहा गाइस इसका बैट। बैट जो है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा कर्व भी दिया हुआ है यहाँ पर। और इसे मैं ओपन भी कर देता हूँ यहाँ से जल्दी से। देखो गाइस, हमारा बैट काफ़ी अच्छी स्टिकरिंग भी की हुई है बैट के ऊपर। और देखने में भी ये जो बैट है काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। ग्रिप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और हैंडल इसकी जो है, मेरे को थोड़ी सी बड़ी लगी दोस्तों। आप देख रहे हो, जब हम पुल शॉट मारते हैं तो ये हैंडल यहाँ पर लगने के चांसेस होते हैं हमें। तो चलो दोस्तों, एक किट जो है मैं पहन लेता हूँ। अभी आपको मैं क्रिकेट भी खेल के बताऊँगा।
विकेट है मैंने तकरीबन 40 मिनट तक पहनकर बैटिंग की है। मेरे को बीच में कहीं पर भी नहीं लगा कि ये जो क्रिकेट किट है अनकंफर्टेबल है। मेरे को पर्सनली ये जो क्रिकेट किट है काफी ज्यादा बढ़िया लगी। तो दोस्तों इस किट के अंदर मेरे को पर्सनली कौन सी चीज अच्छी लगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं लेग पैड से। तो इन लेग पैड्स के अंदर ऊपर की जो क्वालिटी है मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल पैड्स है ये, आप देख रहे हो काफी अच्छी तरीके से बेंड भी हो जाते हैं और इसके अंदर जो स्टिचिंग भी की है काफी बढ़िया लगी मेरे को। पर अंदर की ओर देख रहे हो गाइस यहाँ पर इन लोगों ने ये जो मटेरियल यूज़ किया है मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर ये लोग जो है और अच्छा वाला मटेरियल भी यूज़ कर सकते थे। तो इसके जो ये वेलक्रो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। तो फिलहाल इन पैड्स को मैं रखता हूँ साइड में। अभी बात करते हैं इन ग्लव्स के बारे में। ग्लव्स की भी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। ये जो क्रिकेट किट है राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए है पूरी तरीके से। राइट हैंड का जो ग्लव है थंब के ऊपर काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और यहाँ पर बैट को ग्रैप करने के लिए काफ़ी अच्छी ग्रिप भी देखने को मिलती है और इसके ये जो वेलक्रो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे मेरे को और इसका साइज़ भी जो है मेरे हाथ पर काफ़ी परफेक्ट तरीके से आ रहा था। अभी बात करते हैं आर्म गार्ड और थाई पैड के बारे में। इसकी भी जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ है, आप देख रहे हो गाइस काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इस आर्म गार्ड के अंदर काफ़ी अच्छी कुशनिंग भी दी हुई है और इसका ये जो स्ट्रैप या फिर वेलक्रो बोल लो आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और ये जो थाई पैड है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बिल्कुल यही मटेरियल का बना हुआ है, काफ़ी स्मूथ देखने को मिलता है। इसे पहनने के बाद कहीं पर भी आपको अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं होता है। इसके ऊपर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर भी दी गई है अंदर ताकि आपको थाई को कोई भी चोट वगैरह ना लग सके बॉल से। तो इसका भी ये जो वेलक्रो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जल्दी से ख़राब होने वाली चीज़ नहीं लगती है मेरे को। तो पर्सनली गाइस मेरे को इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ लगी इसका हेलमेट। तो हेलमेट को जो है आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो आपके फेस के साइज़ के हिसाब से। तो साइड में देख रहे हो यहाँ पर कुछ रबर जैसा दिया हुआ है ताकि बॉल वगैरह से आपका जो ईयर है प्रोटेक्ट हो सके। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये रबर का मटेरियल है और ये जो सामने ग्रिल देख रहे हो आप पूरी तरीके से मेटल की बनी हुई है और ये जो कैप है काफ़ी हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई है अंदर की और काफ़ी अच्छी कुशनिंग भी देखने को मिलती है हमें। तो एब्डोमिनल गार्ड तो मैंने यूज़ नहीं किया है पर ऊपर से देखने पर आप देख रहे हो गाइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक का बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अंदर की ओर से काफ़ी अच्छी कुशनिंग दी है इसके आउटर लेयर के ऊपर। तो अभी बात करते हैं सबसे मेन चीज़ बैट के बारे में। यह है कश्मीर विलो बैट। बैट का जो वेट है मीडियम वेट का बैट है ये, काफ़ी ज़्यादा भारी भी नहीं है काफ़ी ज़्यादा लाइट भी नहीं है। मेरे को इसी तरह के बैट जो है पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगते हैं गाइस। दोस्तों आप भी अगर क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो आपको बैटिंग करना पसंद है या फिर बॉलिंग करना पसंद है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना गाइस। बैट के ऊपर जो एज वगैरह बना हुआ है और बैट की जो थिकनेस भी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है मेरे को। दोस्तों आप भी अगर ये किट खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अमेजोन का, वहाँ से जाकर आप भी चाहे तो इस क्रिकेट किट को खरीद भी सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर ज़रूर से लाइक कर देना। तो चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों कल मैंने चटपट टॉय टीवी पर BGMI गेम में यूज़ की जाने वाली एक टॉय गन की वीडियो डाली थी। ये टॉय गन का नाम है M4। ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक टॉय गन है, जस्ट आपको इसका ट्रिगर दबाना है और ये जो गन है धड़ाधड़ फायर करना स्टार्ट कर देती है। इसका वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यार जाकर ज़रूर से देख लेना, काफ़ी ज़्यादा कमाल का वीडियो बना है मैंने आप लोगों के लिए। तो आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आ जाता है अखिल प्रताप, मायूर कुमार, हर्षवर्धन, हर्ष माली, अब्दुल हलीम, प्रवीण लाल, रूपम सिन्हा, रवि तेजा, स्वप्निंदु शेखर, अध्ययन गांगुली। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।